सर्विलांस टीम बरेली द्वारा गुम हुए 218 मोबाइल फोन कीमत करीब 42 लाख रुपए की जनपद एवं गैर जनपद से बरामद किए गए। जनपद बरेली में कोई गुम हुए मोबाइल फोनों के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेते हुए श्री गुले सुशील चंद्रभान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा शीघ्र बरामदगी की गई है, जिनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मोबाइल स्वामियों को सुपुर्दम किया जा रहा है। मोबाइल फोन बरामद करने वाली टीम निरीक्षक श्री राम गोपाल शर्मा, प्रभारी सवे लाइन शाखा बरेली, हैंड कांस्टेबल 720 मोहित कुमार, सविलांस शाखा बरेली, हैंड कांस्टेबल 766 विपिन कुमार तिवारी, सविलांस शाखा बरेली और कांस्टेबल 624 विकास सिंह, सविलांस शाखा बरेली और कांस्टेबल 632 आलोक कुमार, सविलांस शाखा बरेली, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, सविलांस शाखा बरेली और कांस्टेबल 180 अजय चौधरी, सविलांस फोन बरामद करने वाली टीम को उत्साह वर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। देखिए, लोगों के मोबाइल अलग अलग फंक्शंस में या कहीं गुम हो जाते हैं, तो लोग यहाँ पे आकर के सर्विलांस सेल से उसको ट्रेस करने के लिए देते हैं एप्लीकेशन। तो पुलिस उससे काम करती है, ट्रेस करती है और लोगों को उसको देती है। तो आज लगभग ये 218 मोबाइल जो है, जो पब्लिक के गुम हुए थे और जिसकी शिकायतें पुलिस के पास पहुंची थी, उनको ट्रेस करके आज सभी को दिया जा रहा है। कुछ मोबाइल लोगों को पहले दे दिए गए, कुछ लोगों को अभी दिए जा रहे हैं। जो आज लोग उपस्थित नहीं है, जिनके ट्रेस हुए, उनको भी बात करके बुलाया जा रहा है, उनको भी दिए जा रहे हैं। तो कुल ये 218 मोबाइल है जो आज सर्विलांस सेल ने बरामद किए और सभी लोगों को दिए जा रहे हैं। बरेली शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी नेता जी सुभाष चंद्र बोस जयंती, शेर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना संस्थापक प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जयंती पर जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में भगवा रैली निकालकर जिला कलेक्टरेट ऑफिस पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया। मान की गई शिवसेना संस्थापक प्रमुख शेर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व प्रेरी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की एक भव्य प्रतिमा बरेली किसी सार्वजनिक पार्क में स्थापित की जाए। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति एवं पूजा गौ माता को राष्ट्रीय पशु की उपाधि दी जाए एवं साथ गोकशी के विरुद्ध भी सख्त कानून बनाया जाए। शुक्रवार की तरह सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को सरकारी विद्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया जाए। 60 वर्ष से अधिक आयु सीमा के बुजुर्गों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सहित मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर प्रदेश सचिव अनिल मिश्रा, महानगर प्रमुख धनपाल सिंह, डॉक्टर मनीष यादव, नवीन सक्सेना, अवनीश मिश्रा, संजय चंद्रा, विश्वजीत सिंह, श्री संजीव शर्मा, शिवम मिश्रा, मोहित मिश्रा, संतोष कुमार सिंह, प्रभाकर सिंह, राकेश यादव, देवांश पाठक, प्रदीप रस्तोगी, विपिन गंगवार, शिवम उपाध्याय, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। पाठक है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसका बरेली इकाई का मैं जिला प्रमुख हूँ। यहाँ पर क्या कार्यक्रम है आज? हमारे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की 8वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है किले फाटक से लेकर के एक विशाल जुलूस के माध्यम से यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और हमने जो है अभी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन लेकर के आए हैं। उसमें हम अपने राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न दिया जाए और जैसे यहाँ पर जो छुट्टियाँ होती हैं वो मंगलवार को छुट्टियाँ हों और गौ कसी जो हो रही है गौ कसी को लेकर के ऐसा सख्त कानून बनाया जाए, जो गाय काटते पकड़ा जाए उसको फांसी की सजा दी जाए। जय 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 जय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर किया गया माल्यार्पण। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के जिला उपाध्यक्ष गिरीश कपूर के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनकी स्मृति में पुष्प माला से माल्यार्पण किया गया। साथ ही संगठन के उपाध्यक्ष निखिल शर्मा ने बताया, नेताजी एक राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में नेताजी का अहम योगदान रहा, हम सबको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष गिरीश कपूर, जिला अध्यक्ष प्रियंका कपूर, उपाध्यक्ष निखिल शर्मा, जिला संयोजक अनीता गुप्ता, उपाध्यक्ष सुमन भाटिया, सचिव पूजा पांडे, कपिल पांडे, दीपा गौड़ आदि का सराहनीय योगदान रहा। से गाना चाहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज आप लोग किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं यहाँ पे? आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाने आए हैं यहाँ पर, और मेरे साथ मेरे सारे पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुई थी। वो एक राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे देश में बहुत असहयोग आंदोलन भी उन्होंने छेड़े थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी थी कि हमें आज़ादी मिल सके। और वो एक आज़ाद हिंदू फौज से भी जुड़े हुए थे, जिनके वो संस्थापक थे, संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता था। आप किस संस्था से हैं, आप लोग क्या नाम है आपका? जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ संयोजक अनीता गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष सुमन भाटिया जी हैं, सचिव पूजा जी हैं, ये लोग हमें